ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे ज्यादा करीब है और मुसलसल हमारी तरफ मूव कर रही है। आज नहीं तो कल ये एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि नुकसान किसका होगा। एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वेलकम टू द स्टोरी केज। गैलेक्सी गैलेक्सी यूनिवर्स का एक फंडामेंटल यूनिट है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से सिर्फ 12 दिनों के लिए स्पेस के एक छोटे से हिस्से को ऑब्जर्व किया गया तो 10,000 गैलेक्सीज नजर आई। पूरी यूनिवर्स में एग्जैक्ट कितनी गैलेक्सीज है किसी को कोई खबर नहीं। गैलेक्सी चार तरह की हो सकती है, स्पाइरल, स्फेरिकल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। हमारी गैलेक्सी जिसको मिल्की वे कहा जाता है, इसकी शेप स्पाइरल है। एक और स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारी पड़ोसन है, यह हमारे सबसे ज्यादा करीब है, 22 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर, और एक लाइट ईयर तकरीबन 5.8 ट्रिलियन माइल्स के बराबर है। यह हमारा गैलेक्टिक नेबर है और इसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मूव करते करते कभी कभी ये गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, इवन कुछ आपस में टकरा भी जाती हैं। अब एंड्रोमेडा चूंकि हमारी पड़ोसन है, ये भी तो हमसे टकराएगी, लेकिन कूल डाउन ऐसा होने में कम से कम 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। फिर भी आप जानना तो चाहते होंगे कि इस कोलिजन से होगा क्या। अगर ये एक्सीडेंट कल ही हो जाए, यकीन करो आप नोटिस भी नहीं करेंगे। हमारी गैलेक्सी का ही डायमीटर 100,000 लाइट ईयर्स है, बाकियों का भी अंदाजा लगा लो। अगर दो गैलेक्सीज एक दूसरे को टक्कर मार भी दे तो भी सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स आपस में नहीं टकराएंगे। सो कैसी थी ये वीडियो, आपके लाइक से पता चलेगा। और अगर इस तरह की कुछ मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।